नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं साक्षी सैनी। खबर है सहारनपुर के देवबंद से। बदलते सामाजिक परिवेश में त्योहारों के रंग फीके श्रीमती सुबलेश शर्मा। हरियाली तीज की शुभकामनाएं देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेत्री श्रीमती सुबलेश शर्मा ने कहा कि पहले बदलते सामाजिक परिवेश और गिरते नैतिक मूल्यों ने त्योहारों का रंग फीका कर दिया था। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी है। अब किसी भी त्योहार पर पहले जैसा उल्लास, उमंग, आस्था, उत्साह और प्रेम नहीं रहा है। बस रस्म अदायगी हो रही है। देवी कुंड से लेकर गांव देहात तक तीज के झूले पड़ते थे, जिन पर महिलाएं और युवती तीज के गीत गाते हुए झूलती थी। कोरोना के कारण हिंदू मंदिर जीर्णोद्वार जैसी द्वार देवी कुंड तीज मेला स्थगित करने का स्वागत करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए हमें ऐसे निर्णय स्वेच्छा से लेने चाहिए। उन्होंने तीज का त्योहार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनाने का आह्वान किया। आपका क्या नाम है? आपका सुबलेश जी, जैसा तीज का त्योहार था, कैसा त्योहार मनाया आपने? सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों को तीज की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ऐसे ही सब बहनों के जीवन में ऐसे ही रंग भरे रहे, भरे हंसी खुशी से अपना सब त्योहार हो। लेकिन यही है कि कुछ तो पहले नैतिक मूल्यों के कारण और आर्थिक सामाजिक के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था हुई थी उसी की वजह से, और कुछ रही सही कमी इसने कोरोना ने पूरी कर दी कि कोई भी त्योहार हम नहीं मना सकते। क्या कमी है त्योहार में? त्योहार जैसे पहले हम महिलाएं इकट्ठी होती थी और सारी बाग में झूलने जाती थी। हमारे यहाँ देवी प्रसाद पड़ता है, वहाँ पे झूले पड़ते थे, गांव तक हरियाली और खूब लड़कियां हंसती थी, खेलती थी, झूलती थी। अब वो नहीं रहा, अब सब त्योहार फीके हो गए हैं। आज झूला झूले हैं आप? नहीं, झूले भी नहीं पड़े हैं। नहीं, कोई झूला नहीं पड़ा। देवीकुंड का मेले का कोरोना के कारण जो झूला पड़ते थे वो स्थगित कर दिए, ठीक है या गलत है? ये ठीक है एक देखा जाए तो, क्योंकि त्योहार तो फिर भी आएंगे, लेकिन अगर हम बहनों की या और परिवार वालों की सबकी जान सुरक्षित रहेगी तो झूले तो फिर भी पड़ जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।